ये जनरल आपका वो देख ही रहे हो, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी फ्रेम है, जो कि ये पूरा वेल कवर्ड होता है। ये कवर्ड किस लिए होता है, क्योंकि ये बिल्कुल आरपीएम 300 से यू नो लेके 500 तक कहीं होता है, लेकिन जनरली 400 के प्लस माइनस में आरपीएम होते हैं। और अगर उतनी आरपीएम से चलता है कोई यू नो स्टोन आ गया, कोई और कुछ आ गया, स्टेबल आ गया, तो उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए इसको वेल कवर्ड रखते हैं। इसके अलावा और भी आपको देखोगे रबड़ की आपको ये फ्लैल्स लगी हुई है, ये पट्टियाँ, जिससे कि बिल्कुल कुछ भी सॉइल या स्टबल या स्टोन उससे आगे नहीं पाए। इसके लिए अगर देखोगे तो ये इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। ये इसका नाम हैप्पी सीडर है, इसका 9 टाइम इसकी एक साथ में 9 यू नो रोज की सीडिंग कर सकते हैं। ये इसमें 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मिनिमम, जो कि डबल क्लच हो, और इसका वेट करीबन यू नो 740-700 kg के करीबन होता है। और ये इसमें क्रॉप वीट दे रखा है, लेकिन आप इससे और भी क्रॉप कर ऑयल सीड भी कर सकते हो, मस्टर्ड हुआ, लेंटिल हुआ, चिकपी हुआ, इवन राइस हुआ, वीट हुआ, मेज हुआ, सारी क्रॉप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक अलग से आपको मल्टी क्रॉप प्लांटर का बॉक्स लगाना पड़ेगा। ये हमारी जो सीड मीटरिंग की यू नो जो फ्लूटेड सीड और फर्टिलाइजर की होती है उसकी ये साफ्ट है, ये यहाँ पर लगाता है, इसमें एडजस्ट कम और ज़्यादा का होता है। अब मैं आगे की बात करता हूँ आपको, इसको कैसे सीड को कैलिब्रेट करोगे। ये हमारे सीड और फर्टिलाइज़र के कैलिब्रेशन है, ये हमारा फर्टिलाइज़र का है, अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा गिरेगा, ये पर एकड़ के हिसाब से है। तो आप पर एकड़ पे आपको 22 किलो डालना है तो ये इसको बढ़ा दीजिए, और पर एकड़ में भी एक का जो है फ्रैक्शन वो 5 kg है, सो 1 × 5 kg जनरली, लेकिन इसका एक कैलिब्रेटेड आती है, लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद को कैलिब्रेट करना चाहिए फील्ड में। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कैसे कैलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारा सीड का है, सेम इसका भी वही होता है कि एक कितने पे डालना है और उसका क्या फ्रैक्शन होता है, कितने से मल्टीप्लाई होता है। इसके साथ में एक वो भी आता है, मैनुअल गाइड आती है, अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन वो आती है, तो उसको भी किसान या जो भी ऑपरेटर है उसको देख के अपना निर्णय ले सकते हैं। ये हमारे डेप्थ व्हील है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेप्थ व्हील हमें किस डेप्थ, क्योंकि हर एक क्रॉप अलग अलग क्रॉप अलग अलग डेप्थ पे हमें सीडिंग करनी पड़ती है। कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं कि नीचे से ज़्यादा निकल आते हैं, कुछ क्रॉप को सिर्फ 2 सेंटीमीटर चाहिए, कुछ को सिर्फ 1 ही चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे डेप्थ हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। अगर हमें डेप्थ को बढ़ाना है तो इनको ऊपर कर देते हैं, अगर हमें डेप्थ को नीचे करना है तो आप देखोगे ये नीचे चला जाएगा। तो नीचे करने से क्या होगा कि आपकी टाइन ऊपर आ जाएगी, तो उससे डेप्थ कम हो जाएगी। तो ये हमारे डेप्थ कंट्रोल है, लेकिन ये दोनों डेप्थ कंट्रोल एक ही उसमें होने चाहिए। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो उस साइड की रोज हमारे ज़्यादा सीड हो जाएगी, वो डेप्थ हो जाएगी, इस साइड की हमारी कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें बिल्कुल मेक श्योर करना है कि ये दोनों का एक ही लेवल हो, उससे कि हमारा बिल्कुल नो की नो टाइनों का एक ही डेप्थ पे बीज और फर्टिलाइजर डले।